सलमान खान ने कर दिया है के आर के पर डेफेमेशन केस, जिसके बाद के आर के जो है कई सारे लोगों से भिड़े थे बॉलीवुड में आफ्टर दिस केस। ऐसे में उनकी एक जो लंबी अच्छी खासी बहस हुई थी वो हुई थी मीका सिंह के बाद, मीका सिंह के साथ। तो उसके बाद ही मीका सिंह ने कर दिया था अनाउंस कि वो एक डिस ट्रैक बनाने वाले हैं के आर के पर, और उसका नाम जो उन्होंने रखा है ना उसको सुनकर जो है आप हंस हंस के लोटपोट जरूर होने वाले हैं। क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। बड़े बड़े क्लेम्स करने वाले के आर के कि उनको बॉलीवुड से खूब सारा सपोर्ट मिल रखा है, अब उनके लिए बॉलीवुड से ही, बॉलीवुड के गलियारों से ही आने वाला है एक डिस ट्रैक। दरअसल उन्होंने सलमान खान को लेकर, उनकी ब्रांड्स को लेकर कई सारे ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स किए हैं, जिसके बाद सलमान ने तो उन पर डिफेमेशन का केस किया ही है। लेकिन मीका सिंह के साथ वर्बल बहस में भिड़ने के बाद मीका सिंह ने ये ठान लिया था कि वो के आर के खिलाफ एक डिस ट्रैक यानी कि एक रोस्ट ट्रैक जरूर बनाएंगे। अब के आर के कुत्ता के नाम से ये ट्रैक जो है जल्दी ही रिलीज होने वाला है। इसका पोस्टर कर दिया है मीका सिंह ने रिलीज, और बताया है कि कमिंग सून वाला ये ट्रैक जो है के आर के को जमकर रोस्ट करने वाला है। इस गाने की लिरिक्स जो है मीका सिंह ने लिखवाई है काफी बड़े बड़े लिरिसिस्ट से, तो वहीं म्यूजिक दिया है खुद मीका सिंह ने तोशी और शारिफ के साथ। तो वही देखने वाला सॉन्ग रहेगा ये कि आखिर मीका किस तरीके से करने वाले हैं इसमें के आर के को रोस्ट। हालांकि पोस्टर से और टाइटल से ऑलरेडी के आर के रोस्ट हो चुके हैं, जिसमें मीका ने लिखा है के आर के कुत्ता फॉर द टाइटल ऑफ द सॉन्ग। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस खबर के बारे में, जल्दी से लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी खबरें हैं इसी तरीके से लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे।